वेलकम टू टाइगर विद एस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के बारे में, यूपी ट्रिपल एससी में आज हुए धरना प्रदर्शन के बारे में, और यूपी ट्रिपल एससी में सचिव जी ने क्या बयान दिया है छात्रों को, और एएसओ लेखपाल लोअर का रिजल्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी फिक्स पीटी कटऑफ के बारे में जानकारी देंगे, यूपी पीएससी खुशखबरी के बारे में आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरे समय आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। दोस्तों, बैकग्राउंड में थोड़ा शोर आ रहा है, उसके लिए आप उसको इग्नोर कीजिए और जो मेन बात है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। और बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी में आज हुए धरना प्रदर्शन के बारे में। तो आज कुछ छात्र गए थे यूपी ट्रिपल एससी में, और ये छात्र थे एएसओ के। तो एएसओ का जो रिजल्ट है, पहले भी ये धरना प्रदर्शन कर चुके हैं छात्र, और बोला गया था रिजल्ट इनको सितंबर माह में दे दिया जाएगा, लेकिन सितंबर के बाद अक्टूबर में पीटी का एग्जाम था, इसीलिए छात्र भी बिजी थे और आयोग भी बिजी था, ये रिजल्ट नहीं आ पाया। इसीलिए छात्रों ने अब धरना प्रदर्शन रखा, और एएसओ के छात्र आज गए थे अपने रिजल्ट को लेकर धरना प्रदर्शन करने। तो वहाँ सचिव जी से मुलाकात हुई, और सचिव जी ने बोला है कि एएसओ का रिजल्ट जो है वो आप लोगों का बहुत ही जल्द दे दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले लोअर का रिजल्ट, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, लोअर का रिजल्ट के लिए बताया है, सबसे पहले लोअर का रिजल्ट इसी महीने में नवंबर लास्ट तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सचिव जी की तरफ से बोला गया है कि लोअर का रिजल्ट सबसे पहले आएगा और ये नवंबर लास्ट तक आ जाएगा। और इसके अलावा एएसओ का जो रिजल्ट है वो एएसओ और लेखपाल का रिजल्ट साथ में देने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेखपाल का रिजल्ट थोड़ा लेट इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें अभी आप लोग जानते हैं कि जाँच चल रही है एसटीएफ की, तो इसमें लेखपाल का रिजल्ट थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन लोअर के बाद जो है एएसओ का रिजल्ट ही दिया जाएगा, ऐसा बोला है आज छात्रों से जो सचिव जी ने बोला है, ठीक है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सचिव जी ने फाइनल डेट जो बताई है वो यहाँ पे 15 दिसंबर से पहले एएसओ का रिजल्ट देने को बोला है, और इससे पहले लोअर का रिजल्ट आएगा जो कि इसी महीने लास्ट में नवंबर तक आ जाएगा, ठीक है। और लेखपाल का रिजल्ट भी बोला है दिसंबर माह में देने को, मिड दिसंबर तक, मतलब आधे दिसंबर तक देने को बोला है, लेकिन एसटीएफ के जांच के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना लेट हो सकता है, ठीक है। इसकी जानकारी समय समय पर देते दी जाएगी चैनल के माध्यम से। इसके अलावा पूरा फोकस जो है वो इस समय जो है पीईटी, जो पीईटी का रिजल्ट है 2022 का, इस पर पूरा फोकस चल रहा है आयोग का, और आपका रिजल्ट जनवरी में देने के पूरे पूरे चांसेस हैं, और पूरी कोशिश है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में ही इसका रिजल्ट दे दिया जाए, ठीक है, ताकि जनवरी और या फरवरी से ही नई भर्तियों के विज्ञापन निकाले जा सकें, निकालना स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पीटी फिक्स जो कट ऑफ के बारे में बात चल रही है, तो मैंने अपने टेलीग्राम पर भी एक पोल डाला है, अभी मैं दिखाऊँगा आप लोगों को, और यूट्यूब कम्युनिटी में भी एक पोल डाला है, वहाँ पे आप लोग तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, टारगेट विद एस नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने एक पोल डाला है, देखिए यूपी ट्रिपल एससी की सभी सामान्य योग्यता वाली भर्तियों, स्पेशल योग्यता वाली भर्तियों को छोड़कर जो भर्तियाँ हैं उनमें कॉमन पीटी कट ऑफ होना चाहिए या नहीं। 73% लोग यस बोल रहे हैं, अभी भी वोटिंग चालू है, ठीक है। और सेम पोल मैंने ये देखिए डाला है और अपने कम्युनिटी यूट्यूब के कम्युनिटी वाले सेक्शन में ये पोल डाला, आप भी इसमें वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 69% लोग यस बोल रहे हैं, बाकी लोग नो बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मेजोरिटी जो है जो चाहती है वही होता है। और फिलहाल मेरा काम है न्यूज़ देना, तो मैं जो न्यूज़ निकल के आती है आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, हम लोग तो अपनी डिमांड रख सकते हैं, बाकी जो होना होगा वो आयोग ही करेगा, ठीक है। इसके लिए एक ट्विटर अभियान भी रखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नवंबर को, मतलब कल सुबह से ही इस हैशटैग के साथ अंडर हैशटैग UPSC_PET_common_cutoff, इस हैशटैग के साथ सभी मंत्रियों को, योगी जी को और सभी डिपार्टमेंट को जो है टैग करके ट्वीट करना है। और पीटी कट ऑफ के लिए जो मांग हो रही है वो इसलिए हो रही है, यहाँ पे फिर से आप लोगों को साफ साफ बता देता हूँ, पेट में 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कम अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का मौका मिलता है, जिसमें 25 लाख अभ्यर्थियों में से लगभग 23 लाख अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह जा रहे हैं। और यूपी ट्रिपल एससी छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पीटी में एक फिक्स कट ऑफ निर्धारित करें, सभी अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि पेट
की कट ऑफ 60% निश्चित होना चाहिए और कृपया हम छात्रों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने में मदद करें। 5 नवंबर को होने वाले ट्विटर महाअभियान में अपना सहयोग करें इस हैशटैग के साथ जो अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और प्रार्थी समस्त अभ्यर्थी गण। तो ये जनरल भर्तियों के लिए है, अगर आप लोग भी चाहते हैं इसमें एक फिक्स कट ऑफ होनी चाहिए तो आप लोग भी इसमें अपना भाग अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो पार्टिसिपेट मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा काम है न्यूज़ देना, मैं न्यूज़ दे रहा हूँ, बाकी क्या करना है क्या नहीं ये आप लोग बेहतर जानते हैं। अब बात कर लेते हैं UPSC खुशखबरी के बारे में। तो आप लोगों को बता दें ये टारगेट विद SH नाम से चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हर न्यूज़ पहले ही आप लोगों को दे दी जाती है। देखिए ये UPSC की तरफ से सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा 2021 की मुख्य लिखित परीक्षा का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें 16 पदों के सापेक्ष यहाँ पे 49 अभ्यर्थी जो है वो इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किए गए हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है 4 नवंबर 2022 का, और ये सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा मुख्य लिखित परीक्षा 2021 का ये रिजल्ट है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 46 अभ्यर्थियों को ये सफल घोषित किया गया है। और तो देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे 91 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे परीक्षा में, जो कि एक रिक्ति थी आपकी, ये थी सहायक वन संरक्षक पद की, ठीक है। इसमें 3 अभ्यर्थी थे और क्षेत्रीय वन अधिकारी पद की ये 15 रिक्तियाँ थी, इसमें 46 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। तो यहाँ पे कह सकते हैं टोटल मिला के 16 जो है रिक्तियाँ थी और 49 अभ्यर्थी जो हैं सफल घोषित किए गए हैं। तो इनका ये नीचे रोल नंबर वाइज ये दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नोटिस आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों ये UPSI का PSC मेडिकल नोटिस भी जारी कर दिया गया है, ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, और ये आप देख सकते हैं ये आज ही की डेट पड़ी हुई है 4 नवंबर 2022। इसके अलावा टेलीग्राम पे एक और न्यूज़ डाली है, IBPS PO प्री का जो है स्कोर कार्ड वो है आज शाम तक आ जाएगा, और अब शाम हो चुकी है, और मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों का स्कोर कार्ड जो है वो आउट हो गया है, और आप लोग चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर। इसकी कट ऑफ बता दूँ आप लोगों को, IBPS PO प्री 2022 की कट ऑफ जो गई है अनरिजर्व्ड OBC और EWS की गई है 49.75, ठीक है, और SC कैटेगरी की गई है 46.75, ST कैटेगरी की गई है 40.50। तो ये हो गई पूरी जानकारी, और अभी तक जो भी जानकारी निकल के आई थी रोज़गार से संबंधित जितनी भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को बता दी। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, नमस्कार।